जाति भी उन्होंने बनाई, जाति भी जाने नहीं देते, जाति के आधार पे कितने अपराध करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। मन को विचलित करने वाली जब तस्वीरें आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि हम भारत की तस्वीरें नहीं बदल पा रहे हैं। हम लगातार अपनी बात रखते हैं, लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं वो इतनी क्रूर होती हैं, वो मन को तोड़ देती हैं, वो आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं कि आखिर क्या दशा हो गई है भारत की। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की स्थिति कितनी बदतर हो गई है। विश्व गुरु में डंका बजने वाली भारत की स्थिति इतनी क्रूर हो गई है कि यहाँ के लोगों के अंदर की मानवता मरती जा रही है। लगातार मानवता को शर्मसार करने वाली जब घटना आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और कल्पना करेंगे कि कौन से भारत की तस्वीर है, ये कौन सा रामराज्य है, ये कौन से विश्व गुरु है जिसका डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन जब हकीकत देखेंगे हम जमीनी स्तर पर तो आप रो पड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये तस्वीरें हम कैसे बदलें। लगातार नेशनल दस्तक ये प्रयास करता है कि हम तक जो खबरें पहुँचें वो आप तक साझा करें और ऐसे समाज की जो तस्वीरें होती हैं उनको बदलने की कोशिश करें, जागरूकता पैदा करें, लोगों में जो अशिक्षा का भाव है उसको शिक्षा में कैसे तब्दील करें। लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे भारत की दशा ऐसी बदतर होती रहेगी। शुक्र मानिए वो तो ब्रिटिश आए हमारे देश में जो शिक्षा को देकर गए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक खूबसूरत संविधान भारत को दिया, लेकिन उस चीज़ के होते हुए भी हम इतनी नफरत, इतने भेदभाव से भरे हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। आप जब ये तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर उसी भारत की है जिस भारत को समृद्ध और खुशहाल दिखाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने वाले तमाम मीडिया कर्मी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, कितनी शर्मसार करने वाली घटना है, किस तरीके से एक व्यक्ति को मारा जा रहा है। सोचिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21वीं सदी की तस्वीर है ये, आधुनिक भारत की तस्वीर है जहाँ पे हम तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। सोचिए कैसे डंका बजेगा विदेशों में जब भारत की असली तस्वीरों को साझा किया जाएगा, भारत की असली तस्वीरों को एक्सपोज किया जाएगा, तो खुद पे शर्म आने लगती है कि हम भारत की तस्वीरों को क्यों नहीं बदल पा रहे, हम भारतीय होने पे अपने आप को क्यों गर्व महसूस करते हैं जब हम ऐसी तस्वीरों को नहीं बदल पाते हैं। सोचिए किस तरीके से लोग एक व्यक्ति को कितनी बेरहमी के साथ पीट रहे हैं। दिस इज ए हार्ट ब्रेकिंग एंड क्रूअल एक्ट ऑफ कास्टिज्म इन संगरेड्डी तेलंगाना। ए 80 बॉय वाज ब्रूटली बीटन अप स्टिक बाय कास्ट हिंदू इन ब्रॉड डेलाइट। सोचिए किस तरीके से एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही व्यक्ति को, मारने वाले भी हिंदू, मार खाने वाला भी हिंदू। यह है हिंदुत्व राष्ट्र की असली सच्चाई। क्या वोट के नाम पर आप हिंदू हैं, आप अधिकारों के नाम पे शेड्यूल कास्ट हैं, मुसलमान हैं, किसान हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, तमाम उन कैटेगरी में डिवाइड आपको कर दिया जाएगा मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा। जब आप सरकार से सवाल करेंगे हक अधिकारों की, जब आप सरकार से बात करेंगे अपने प्रति हो रहे अत्याचारों की, जब सरकार से सवाल करेंगे रोजी रोटी की, जब सरकार से सवाल करेंगे रोजगार की, लेकिन जब तकलीफ होती है जब व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी रौंदा जाता है, तकलीफ होती है जब व्यक्ति की डिग्निटी को कुचला जाता है सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा। सोचिए एक व्यक्ति को कितनी बेरहमी से मारा है, ये तकलीफ होती है। सोचिए आप सोचने पे महसूस कर पाएंगे उस व्यक्ति का दर्द कि किस तरीके से उसकी डिग्निटी को कुचला जा रहा है, कितने लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, डंडे के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसकी गलती क्या है। ये तेलंगाना की वीडियो है जहाँ पे हमारे अभी गृह मंत्री गए थे अमित शाह जी, ये तस्वीरें शायद वो उन तक पहुँचे तो शायद वो, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो शायद वो इस पे कोई संज्ञान ले। ऐसे लोगों पे कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता। हमारे मीडिया कर्मियों को जहर उगलने से फुर्सत नहीं है,
तमाम ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आते कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार हमें वो प्रयास करना पड़ेगा कि जातीय आतंक चरम सीमा पर है भारत में। तेलंगाना का ये वीडियो जिसमें हिंदू जाति के लोग एक दलित को बेरहमी से पीट रहे हैं, हिंदुओं का आतंक दलितों की जान ले रहा है। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ कि आखिर कब तक सवर्ण समाज के लोग, मनुवादी समाज के लोग, पाखंडवाद लोग कब तक दलितों की जान लेते रहेंगे, कब तक दलितों के साथ मारपीट करते रहेंगे। जाति भी उन्होंने बनाई, जाति भी जाने नहीं देते, जाति के आधार पे कितने अपराध करते हैं। सोचिए कब बदलेंगे वो अपनी मानसिकता को, कब बदलेंगे वो भारत की तस्वीरों को, कब बदलेंगे वो इस देश की समाज की स्थिति को। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर मीडिया को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन तस्वीरें इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया में बैठे भी लोग एकमात्र जाति के लोग हैं, प्रशासन में बैठे भी लोग एकमात्र जाति के लोग हैं। आपको, आपके साथ जो अपराध होगा, आपकी, आप उसकी FIR तक नहीं दर्ज होती है आपकी। सोचिए आपके साथ जाति आधार पर कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मीडिया कर्मी कहते हैं, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कहते हैं कि जाति पे बात करने वाला सबसे बड़ा जातिवादी होता है। जो ऐसा मानते हैं उनकी भी एक जाति होती है, जाति ना मानने वाले की भी एक जाति होती है, लेकिन इस जाति के आतंक को हमें खत्म करना चाहिए कि आखिर कब तक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ मारपीट होती रहेगी। एक तरफ तो हम डंका बजा रहे हैं विदेश में, और दूसरी ओर भारत की तस्वीरें जब आप देखेंगे, जाति के आधार पर लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है कि कितना घिनौना काम हो रहा है भारत में जाति के आधार पर। सरकार जाति के आधार पर वोट मांग रही है, मीडिया जाति के आधार पर न्याय दिखा रहे हैं, लेकिन जिसकी जाति के आधार पर जिसके साथ अपराध हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा। सोचिए किस तरीके से SC ST के लोगों पर कितनी बेरहमी से, क्रूरता के साथ उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बर्बरता की जाती है, और इस पर ना हमारी गृह मंत्री का कोई ट्वीट आता है, और हाँ, कहने के लिए वो राष्ट्रपति दलित को बनाएंगे, कहने के लिए वो आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाएंगे, कहने के लिए वो MP MLA शेड्यूल कास्ट के बनाएंगे, लेकिन जब बात आएगी हक अधिकारों की, जब बात आएगी ऐसी खबरों को एक्सपोज करने की, तो सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। सोचिए तेलंगाना की शर्मसार करने वाली घटना पे आपकी क्या राय है, क्या वाकई में देश बदल रहा है? अगर बदलता हुआ नजर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बेहतर कंडीशन में नहीं, बदतर कंडीशन में। और आने वाले टाइम में इस देश की स्थिति बहुत ही बुरी होने वाली है। मैं हमेशा की तरह एक लाइन से अपनी बात खत्म करूंगी कि भारत एक सिसकी पे खत्म होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और तमाम ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।